हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, पिछले एक महीने होने जा रहे, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बट मैं अभी थोड़ा काफ़ी दुखी हूँ क्योंकि हमारे देश में जो है, हमारा जो देश है ना, कहते हैं कि जब हम सारे लोग मिलकर एक देश में रहते हैं और उस देश, एक देश, एक सब समाज से एक देश बनता है, लेकिन हमारा समाज किस दिशा पे जा रहा है, किस वे पे जा रहा है, समझ में नहीं आता। आए दिन मैं कुछ ना कुछ देख ही रही हूँ। अभी मैंने जो देखा है, एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना गलत हो रहा है, और हम लोग कहते हैं कि अल्लाह है, भगवान है और वो सबको देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी लड़कियाँ जो बेचारी, जब उनकी उनका रेप होता है उस टाइम भगवान को क्या उनकी चीख सुनाई नहीं देती? क्या भगवान उस टाइम ये नहीं देखते कि उस लड़की को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? हमारे भारत देश में खाली प्रधानमंत्री को सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री खाली पूरा ठेका लेके रखा है पूरे समाज को सुधारने का। हम आम इंसान का भी फर्ज बनता है, हम भारत देश के एक नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने बहन बेटियों के लिए अब आगे आए। अगर अब आगे नहीं आए ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो समाज किस वे पे जा रहा है, समाज किस वे पे जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ बाहर ही इस तरह की मतलब इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, घर के अंदर भी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आज भी लड़कियां वहीं की वहीं हैं, समाज में सब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन लड़कियां वहीं की वहीं हैं। लोगों को लगता है कि लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लड़कियां चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, अब उस लेडी डॉक्टर को देखो, उसके माँ बाप ने कितनी मुसीबत से उसे पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, पाला होगा, पोसा होगा, उसे डॉक्टर बनाया होगा। उनकी भी एक अलग सोच थी, तब तो उन्होंने लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेजा और इतना उसके लिए सोचा कि एक हमारी लड़की सभ्य समाज की एक नागरिक है। और वो डॉक्टर का मतलब होता है, लोग कहते हैं दूसरे रूप में कहते हैं, भगवान का रूप होता है डॉक्टर। जब एक आम इंसान की तो बात छोड़ी, जब डॉक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा है, जो इतनी पढ़ी लिखी उसको नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हम आम इंसान की तो बात छोड़ो। आज भी कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जो मतलब ससुराल में भी तपी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, उनके लिए कोई सभ्य समाज का कोई भी खड़ा नहीं होता, औरतों के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता बोलने के लिए। आज चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी तो गई ना, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो, लेकिन बेटी तो गई। तो हम लोग ये चुप क्यों बैठ जाते हैं? बस थोड़ा सा मीडिया में देखते हैं, थोड़ा सा कैंडल लेके उतर जाते हैं। जब कोई जिंदा रहता है और जिंदा रहने के बाद भी वो घुट घुट के जीता है, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो कहीं पर भी हो, वो लड़की जब जिंदा रहती तब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जब वो लड़की मर जाती तो उसके लिए कैंडल मार्च, ये लेकर उड़दंगी करना, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा मानना है जो जिंदा इंसान उनके लिए भी इंसाफ किया जाए, और जो मर गया वो उसके लिए तो है ही है, देश का कानून बना हुआ है। लेकिन हमारे भारत देश में इंसाफ मिलने में काफ़ी देर लगता है। तो ये मेरा कहना है कि हम सभी आम नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने जहाँ पर भी हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए हमें सबको आना, ये नहीं देखना है कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू। कोई भी हमारी बेटी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म की, अगर वो परेशान है तो हमारा सबका कर्तव्य। हम लोग क्या कहते हैं, अरे हमें पुलिस के केस में नहीं फंसना, हमें ये नहीं करना, हम डर जाते हैं। जब हमारी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तब हमें पता चलता है। तो मेरा ये कहना, चाहे कहीं पर भी चीज़ें हो रही हैं, भारत देश हमारा जो है ना, अमेरिका कल्चर को अपनाते जा रहा है। मैं तो सबसे ज़्यादा कहूँगी, जो लिविंग फीविंग रिलेशनशिप है, जो ये सब सारी चीज़ें, ये हमारे भारत देश में क्यों थोपा जा रहा है? हमारे भारत देश का तो ये कल्चर है नहीं। तो फिर ये लिविंग रिलेशनशिप, ये सब चीज़, ये तो बैन होना ही चाहिए। और एक बात कहूँगी, जो हमारे हमारे देश के सास ससुर हैं, हमारी बहुएँ हैं, ये सब जो हम, मैं आए दिन देखते रहती हूँ, तलाक तलाक तलाक, ये सारी चीज़ें मैं देखते रहती हूँ, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई। शादी को क्या बना रखा है, एक साल भी नहीं हो रहा शादी को, छः महीने भी नहीं हो रहा, और तलाक के चांसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा डिवोर्स इतने। मेरा कहने का मतलब है कि एक लड़का है, उसके माँ बाप हैं। कोई लड़का अपने माँ बाप से झगड़ा होता है तो उसके लिए तो कोर्ट नहीं पहुँच जाता, उसके लिए तो तलाक देने के लिए सिर्फ बीवी ही इतनी सस्ती आई कि बीवी के लिए तलाक का ऑप्शन है। मतलब कि बीवी नहीं जम रही है, बीवी का चेहरा पसंद नहीं आ रहा शादी के बाद, बीवी नहीं जम रही तो उसको तलाक दे दो, ऑप्शन है। माँ बाप पसंद नहीं आ रहा, बहन पसंद नहीं आ रहा, उसको भी तलाक दो ना भाई, उसको भी तलाक दो।
कि मतलब बीवी इतनी सस्ती आई कि इसको तलाक, ऑप्शन सिर्फ बीवी के लिए रखा, छोड़ रखा है, ये तो गलत बात है भाई, तो इज़ नॉट फेयर। मेरा कहने का मतलब है एक लड़का, अब जैसे इस्लाम धर्म की बात कर लीजिए, मैं आए दिन देखती हूँ कि एक लड़का है, अगर उसने अपनी बीवी को तलाक तलाक बोल दिया तो तुरंत ये मौलवी मुल्ला आ जाते हैं फतवा लगाने के लिए कि अरे अब तुम्हारा तलाक हो गया, तुम इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती, निकलो। और जब यहीं पर अगर बीवी भी है और शौहर भी है, अगर शौहर दूसरी धर्म की जाति के साथ जाके मुंह मार रहा है, हरामकारी कर रहा है, तब ये मुल्ला मौलवी कहाँ जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं, तब ये लोग फतवा क्यों नहीं लगाते कि भाई ये तेरा शौहर तेरे होते हुए दूसरी लड़की के साथ मुँह मार रहा है, दूसरे धर्म की जाति के साथ लड़की के साथ। हमारे में तो कहते हैं ना कि अगर लड़की अगर मुस्लिम है, अगर वो दूसरी जाति के में चले गई तो उसका तलाक हो जाता है। तो जब लड़का हराम गारी कर रहा है तो फिर वो लड़का का भी तो इस्लाम से खारिज करो ना, कि सारी चीज़ें लड़कियों के लिए ही बना रखी है आप लोगों ने। मैं सभी मुल्ला मौलवी को कह रही हूँ, इसमें सभी लोगों को कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये समाज जो है, समाज हम औरतों से ही बना हुआ है, औरतों ने ही सबको पैदा किया है, जितने भी अल्लाह ताला ने, क्यों लड़कियों को ही बच्चे पैदा करने के लिए चुना है, मर्दों को भी चुन सकते थे, पर एक औरत के पेट से कोई पैदा होता है, वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस बनता है, लेकिन आज उसी कोक को जाड़ी जा रही, उसी लड़की को मारा जा रहा, उसी के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सब बातें लड़कों को भी समझना है, सास ससुर को भी समझना है, जितने भी सारे लोग को मेरा ये वीडियो जा रहा है उन सबको समझना है। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि समाज में इतनी कुरैतियाँ हो गई हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब भी आए दिन न्यूज़ खोलो, सोशल मीडिया पे देखो, आए दिन मतलब शादी है भाई, शादी कोई वो नहीं है, कपड़ा नहीं है कि चेंज करा बदलते गया, एक नहीं दूसरी नहीं, दूसरी नहीं तीसरी, ये क्या चल रहा है हमारे समाज में, इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है। अगर तलाक वर्ड बीवी के लिए है तो माँ बाप के लिए क्यों नहीं है, माँ बाप भी तो कभी कभी ख़राब मिल जाते हैं, भाई भी तो ख़राब मिल जाते हैं, उनके लिए तो कोई तलाक नहीं पहुँच जाता कोर्ट लेने के लिए कि भाई मेरा ये माँ से मेरा रिश्ता ख़त्म करो, मेरे माँ से, माँ से तलाक दिलाओ, मेरे बाप से तलाक दिलाओ, मेरे बहन से तलाक दिलाओ, मेरे भाई से तलाक दिलाओ। सिर्फ बीवी ही सस्ती आई है हमारे समाज में, बेटियों की दुर्दशा इतनी क्यों ख़राब है, क्यों ख़राब है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तक हम सब लोग मिलकर एक ये सोच नहीं सोचेंगे, हमारा भारत देश कभी विकसित नहीं होगा। हमें जितना हो लड़कियों का सपोर्ट करना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है, और मैं सभी लड़कियों से कहूँगी अगर आपको लगता है कि ये लड़का आपके लिए परफेक्ट जीवन साथी, तभी चुनिए, वरना ज़िंदगी भर कुंवारे रह जाइए। ऐसे ऐसे लड़के के साथ रहने से क्या फ़ायदा, जो अपने अपना खुद का फ़ैसला भी नहीं ले सकता, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। जो लड़का वो हो जो आधी रोटी में भी खिलाए और कमा के रखे, माँ बाप को भी देखे, बीवी को भी देखे, बराबर को देखे ना, ये नहीं कि सिर्फ अपने माँ बाप को ही देखे। देखिए मेरी बातें आप लोगों को शायद ख़राब लग रही होगी, लेकिन जो समाज में ये जो सारी चीज़ें कुरूतियाँ हो रही हैं, कहीं लड़की को मारा जा रहा है, कहीं ससुराल में लड़कियाँ जलाई जा रही हैं, कहीं लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं, कई लोग तो हिम्मत हार जा रही हैं लड़कियाँ, तो कब तक ये सब चीज़ें चलता रहेगा। मेरा तो अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही कहना है कि भाई लड़कियों के लिए ऐसा कानून लाइए कि कोई भी लड़कियां दहेज के नाम पे ससुराल पर ना जलाई जाए, ना टॉर्चर की जाए, ना मारी जाए, ना उन्हें तलाक मिले। अगर गलती है भी तो सब समाज के लोग मिलकर उनको समझाएं। ऐसा थोड़ी ना है कि तलाक हर छोटी छोटी बात पर लोग तलाक में जाके खड़े हो रहे हैं, छोटी से छोटी बात के लिए लोग तलाक के, यार शादी निभाने का नाम है, तलाक का नाम है। अगर तलाक ही करना है तो भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहो, शादी करने की क्या ज़रूरत है, किसी की लाइफ ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, किसी को डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सबको मेरी बातें पूरी लगी तो सॉरी टू से।